अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम पहुंच चुकी है कई पूजा पंडालों के दौरा करने के बाद से महाकाली, जो कि पटवा टोली के महाकाली में हम पहुंच चुके हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं यहां पे तमाम वॉलंटियर लगे हुए हैं, व्यवस्था में सभी तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये महाकाली है, जो कि पटवा टोली महाकाली कहा जाता है कि महाकाली महाकाली का दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। युवा है यहाँ पे, किस तरह की क्या व्यवस्था आप लोगों ने किया है यहाँ? सर व्यवस्था बहुत अच्छा है, लोग आप खुद से करते हैं। लोग भीड़ कैसी है आज? भीड़ तो बहुत अच्छा है सर। अच्छा, बहुत अच्छा है। चलिए अंदर की तरफ हम चलेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है। महाकाली का दर्शन करने के लिए तमाम लोग पहुँचते हैं। प्रसाद की भी जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। वॉलंटियर लगाए गए हैं, वॉलंटियर इसलिए लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की किसी को परेशानी ना हो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये हम महाकाली के दरबार में पहुँच रहे हैं। ATL लाइव की टीम महाकाली के दरबार में पहुँच रही है और कहा जाता है कि लोग सभी जगहों पर जाएँ, पूजा पंडालों पर जाएँ, दर्शन करें। और अगर महाकाली का दर्शन नहीं करें तो शायद उनकी जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। जैसा कि कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी का दर्शन करें और बाबा भैरवनाथ का दर्शन ना करें तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। ठीक उसी तरीके से महाकाली, जो कि महाकाली एक बहुत कहा जाता है कि भव्य यहाँ पे मूर्ति बनाई जाती है और दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए। तो तमाम लोग यहाँ पे दूर दराज से आते हैं और आ करके महाकाली का दर्शन करते हैं। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे महाकाली को लेकर के यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। बताइए क्या कुछ तैयारी है यहाँ पे? तैयारी तो हमारे तरफ से आप देख ही रहे हैं, वॉलंटियर्स हमारे लगे हुए हैं भीड़ को कंट्रोल करने में भैया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये महाकाली के पास हम पहुँच चुके हैं। महाकाली के पास यहाँ पे व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था भी बिल्कुल आप देख सकते हैं, सब कुछ व्यवस्था। कैसा लग रहा है महाकाली का दर्शन करने आए हुए हैं? माता के हम भक्त हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता दी, जय महाकाली। सिवान का नंबर वन महाकाली है, हम माता का कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। माता रानी आप पे कृपा बनाए रखे। बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने महाकाली विराजमान है, जो कि पटवा टोली स्थित हमारी टीम पहुंची हुई है। प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो भी आप देख सकते हैं, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। तमाम महिलाओं की भीड़, कहा जाता है कि पूरे परिवार के साथ यहाँ पे लोग आते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं और माता जो है काली, जो महाकाली है, वो पूरी भी करती हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कि हम आए हुए हैं यहाँ पे और महाकाली के दरबार में, जो कि पटवा टोली की महाकाली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने विराजमान है भव्य प्रतिमा। ये पटवा टोली, जो कि श्री श्री 108 श्री महाकाली पूजा समारोह नवयुवक संघ मूर्ति नंबर 4 है पटवा टोली की। क्या कुछ किस तरीके से यहाँ पे है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि माता रानी यहाँ पे विराजमान है, जो कि महाकाली है विराजमान है। कुछ यहाँ पे सदस्य हैं, वॉलेंटियर हैं, इनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा आइए बताइए कैसे, क्या कुछ यहाँ पे तैयारियाँ हैं? यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा तैयारी रखे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से भी हम लोग को पूरी मदद मिल रही है। यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है और यहाँ पे प्रशासन भी हम लोग को पूरी मदद कर रहे हैं और हम लोग भी जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। मतलब कि आप लोग अपने भी वॉलंटियर दिए हुए ताकि किसी भक्त को परेशानी ना हो? जी, हमारे किसी भी भक्त को परेशानी ना हो, यहाँ पे माता का दर्शन आराम से करें और आराम से धीरे धीरे निकल जाए। लगभग 2-2.5 घंटे से हम लोग लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं। ये क्या लग रहा है, ये कब तक चलेगा ये मेला जो है? अभी लमसम 11:30-11:12 बजे तक ये भीड़ तक चलेगा, उसके बाद लम कम हो जाएगा। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। अमित कुमार।
बिल्कुल अमित कुमार हैं और देखिए ये यहाँ पे जो है महाकाली के सब कुछ यही करता धरता ये लोग हैं और आप देख सकते हैं कि महाकाली जो है सामने विराजमान है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और कहा जाता है कि लोग सभी जगहों पे जाएं, सभी पूजा पंडालों पे जाएं, अगर महाकाली का दर्शन न करें तो पूजा अधूरी मानी जाती है। क्या ऐसा सही बात है जो हम बता रहे हैं? ऐसा सही बात है, आपको प्रत्यक्ष सामने दिखावा भी है, चढ़ावा भी है, इससे अपना अनुमान लगा सकते हैं कि माँ की आशीर्वाद ही फलता है। अच्छा, ये जो चढ़ावा है ये लोग मतलब कि चढ़ावा यहाँ पे देते हैं? हाँ, तो माँ उनको मनोकामना पूर्ण करती हैं तो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस बार क्या लग रहा है, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि 2 साल तक दशहरा पूजा नहीं हुई? हाँ, बहुत अच्छी तरह से प्रबंध है और प्रशासन का भी सहयोग है कि मेला जुलूस निकलेगा। आप लोगों की तैयारियां किस तरीके की है? मान लीजिए कि अभी मेला 2-3 दिन तक चलेगा तो इसमें किस तरह की व्यवस्था आप श्रद्धालु भक्तजनों को दे रहे हैं? हमारे वॉलंटियर हैं, सभी को कपड़े के ऊपर टी शर्ट का माता रानी का फोटो लगा दिया गया है, नाम पता लिख दिया गया है कि कोई इधर उधर न करे, कोई गैदरिंग न हो, किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए हम अपना वॉलंटियर रखे। कुछ जागरण वगरण का भी कार्यक्रम है या फिर कुछ विसर्जन के दौरान? विसर्जन का दौरान यहाँ पर जब पूजा चालू होता है तो वो नाच वाले आते हैं। तो ये पुरानी परंपरा है, आज कोई नई बात नहीं है, लगभग 100-150 साल पहले का ये बात है। अच्छा, लगभग कितना खर्च, सब कुछ आप लोगों को पूजा पंडाल से लेकर के मूर्ति से लेकर लाइटिंग से लेकर के लगभग कितना खर्च लग जाता होगा? मूर्ति से और पंडाल से, हाँ, ये माता रानी का ही देन है और लाइट और नाच वाले गजा वाले जो भी हैं वो चंदे के रूप से अपना करते हैं। चलिए, बिल्कुल अपना करते हैं। हमारा नाम प्रीतम है। चलिए, आपने देखा कि यहाँ पे इनसे बातचीत हुई और यही सब कुछ करता धरता है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि आप दिखाएं अपने कैमरामैन से, चाहेंगे आशीष कुमार गोलू से कि दिखाएं कि जी महाकाली के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और ये वो महाकाली हैं जो कि सारी मन्नतें पूरी करती हैं, वो महाकाली जो तमाम लोग यहाँ पे आते हैं मन्नतें मांगते हैं और महाकाली हम सब की मन्नतें पूरी करती हैं। आप देख सकते हैं भीड़ किस तरीके से, चाहे वो महिलाएँ हो चाहे युवा हो, तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पे आ रही है, बच्चियों से लेकर के सभी लोग महाकाली के पास आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और महाकाली से विनती कर रहे हैं कि हे महाकाली इस महामारी को जल्द से जल्द दूर भगाए। प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ यहाँ पे एसआई लगे हुए हैं, बताइए किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था बहुत बढ़िया है और हमारा प्रशासन जो है एकदम लगल है और भीड़ तो बहुत काफ़ी भीड़ चला एकदम। हाँ, 7 बजे से मेहनत आप लोग? हाँ, पूरा मेहनत हम लोग कर रहे हैं। लोग कॉपरेट कर रहे हैं आप? हाँ, कॉपरेट कर रहा है लोग। नाम बता दीजिए। हमारा नाम सुनील कुमार ठाकुर हुआ, सोहानी टाउन थाना के? नहीं, हम मुफस्सिल अंचल में हैं। तो ये मुफस्सिल से आए हुए हैं सहनी सुनील कुमार हैं। इसी तरीके से लगातार हम आपको कवरेज भी दिखाएंगे और देखिए जो भीड़ है धीरे धीरे बढ़ते रह रही है भीड़, लेकिन उसके लिए स्पेशली यहाँ पे वॉलेंटियर्स को भी लगाए गए हैं, कुछ महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं जो महिला पुलिस कर्मी भी हैं, ARB की जो महिला पुलिस जवान है वो तमाम लोगों को लगाया गया है ताकि किसी तरीके से जयकारे भी लग रहे हैं महाकाली के। आप देख सकते हैं महाकाली के जयकारे भी लग रहे हैं। तो ये है युवाओं की टीम और महाकाली का दर्शन करने के बाद बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे महाकाली का दर्शन करने के लिए? आप आइए, दर्शन करने के लिए यही बोलेंगे। एक मिनट मैडम, एक मिनट, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मैडम महाकाली का दर्शन करने से? कि महाकाली का दर्शन करने से मन्नत जी? ये तो सही है, सब श्रद्धा से लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी मन्नत मांगते हैं और सबकी पूरी भी होती है जी। मन्नत पूरा होने पे फिर लोग पूजा भी करते हैं। क्या माना जाए कि आप भी दरबार में पहुँची हुई हैं, कुछ मन्नतें आपने भी मांगा होगा? वो तो है ही, मन्नत बताए नहीं जाते हैं इसलिए पूरी करेंगे।
एकदम करेंगी। आपने देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ पे आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और महाकाली मन्नतें पूरी भी करती हैं। इसी तरीके से कुछ और जगहों पे हमारी टीम चलेगी और वहाँ पे भी चलकर हम दिखाएंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ हैं सिवान में दशहरा पूजा को लेकर के। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। सिवान का जाना पहचाना VIP अल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित अल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। हम शंभुनाथ सिंह खलवा पंचायत के प्रत्याशी बानी, मुखिया के प्रत्याशी बानी। हम सबसे निवेदन करता नहीं जनता से, खलवा पंचायत के जनता से, कि एक बार हमके मौका दिया। हमारे चुनाव चिन्ह बा ब्लैक बोर्ड, क्रमांक संख्या 12 पर चुनाव चिन्ह बा। एक बार ब्लैक बोर्ड पर बटन दबा के हमके विजयी बनाई, एक बार सेवा करे के मौका दी। ग्राम पंचायत राज महुआरी से मुखिया पद की सुयोग शिक्षित एवं मिलनसार महिला प्रत्याशी रेहाना खातून का चुनाव चिन्ह कैमरा छाप है। आप सभी से निवेदन है कि EVM के क्रमांक संख्या 9 कैमरा छाप पर नीला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से रेहाना खातून को विजयी बनाएं। मैं पंचायत राज नरकटिया से राजीव मिश्रा, BDC प्रत्याशी। मैं अपने माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों से मैं ये अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह कुदाल छाप है। आप लोग 8 नंबर पर कुदाल छाप पर वोट करें और मुझे भारी से भारी मतों पे विजयी बनावे। मैं अशोक कुमार प्रसाद, मुखिया ग्राम पंचायत राज कबीरपुर, प्रखंड मैरवा। मैं अपने पंचायत से पुनः एक बार 2021 के चुनाव में प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो क्रम संख्या 1 पर है। मैं अपने पंचायत के सम्मानित जनता से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस बार के चुनाव में फिर एक बार मौका दिया जाए। और इसी के साथ है, पिछले में 10 वर्षों से जो मेरे पंचायत के सम्मानित जनता के साथ जो सम्मान दिए हैं, व्यवहार किए हैं और पूरे पंचायत को एक विकास मॉडल के रूप में पेश किए हैं, निश्चित रूप से मुझे आशा भी है कि मेरे पंचायत की जनता, मेरे पंचायत की भाइयों बहनों सभी लोग मिलकर मुझे मदद करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ है काफ़ी भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मुझे काफ़ी उम्मीद है और भरोसा भी है और एक बार और अपील करेंगे अपने पंचायत की सम्मानित जनता से कि मुझे एक बार और अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए कि अपने पंचायत के नाम को रोशन करें और एक बार पंचायत कबीरपुर के एक बार और मॉडल के रूप में पेश किया जाए। नमस्कार, मैं कुंदन शाही ग्राम पंचायत राजंगोता से बोल रहा हूँ। मेरी माताजी मीनू शाही इस पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो कि EVM क्रमांक संख्या नंबर 1 पर है। मैं अपने पंचायत के समस्त सम्मानित जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार मुझे अपना मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और मैं ये वादा करता हूँ कि आपके हर सुख दुख में और आपके हर काम में मैं 24 घंटा तत्परता से उपलब्ध रहूँगा। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी बहकावे में ना आएँ, आप लोग पहले भी हम लोग को चुनते आए हैं और इस बार फिर मौका दें। मैं सुरेश चौधरी, मेरी पत्नी रीना देवी ग्राम पंचायत राज गंभीरपुर से फिर से दोबारा मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ी है। मैं जनता से अपील करता हूं कि 5 नंबर AVM नंबर पर पूर्ण छाप है, वो मैं जनता से मैं यही अपील करता हूं कि फिर सेवा के मौका। आप सभी जनता जनार्दन से, आप हमारे मालिक गार्जियन सब हैं, आप सबसे आग्रह है कि हमारे घर से हमारी भाभी अंकिता देवी मुखिया प्रत्याशी हैं बड़का मजा पंचायत से। आप लोगों ने 2 बार हमें बहुत प्यार दिया, हमें चुना,
हमने आपके लिए कार्य करने का प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया कि हम अच्छा कार्य करें, आपके सुख दुख में साथ रहें, हम रहे, आपका प्यार अभी भी मिल रहा है, हमने आपके लिए काम किया, आपने जो कहा आपके हर संभव साथ रहे, हम अभी भी हमारा प्रयास है कि हम आपके साथ रहें, इसके लिए आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। इस बार पुनः हमें 20 अक्टूबर को मोती के माला चुनाव चिन्ह EVM नंबर 1 पे है बटन दबा के हमें भारी मतों से विजयी बनाने का आशीर्वाद दें। हम प्रायः आपके सेवा में रहेंगे, हम हमेशा सेवा करते रहें, हमारा स्वभाव से भी हम लोग सेवा करने वाले हैं, आप लोग देख चुके हैं, एक बार और मौका दें ताकि हम आपकी सेवा में रहें सदैव। मैं शिवतापुर पंचायत की मुखिया श्रीमती पिंकी देवी आपके चैनल एवं अपने पंचायत वासियों को शारदीय नवरात्र को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं प्रणाम करती हूँ। साथ साथ मैं अपने पंचायत वासियों से अपील करती हूँ कि 5 नंबर पर पुल छाप नीला बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, जैसे प्रेम स्नेह हम लोग बना कर रखे थे उसी तरह बनाए रखेंगे। बड़े बुजुर्ग माताएं एवं बहनों सबको मैं प्रणाम करती हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को साथ ही पंचायतवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। जिस श्यामतापुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्रीमती पिंकी देवी का चुनाव चिन्ह पुल छाप है जो क्रमांक 5 पे है, और मैं अपने पंचायतवासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पिंकी देवी को क्रमांक 5 पे पुल छापे नीला बटन दबाकर विजयी बनाने की। मैं रजनीश गोंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से प्रत्याशी हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार मेरे को क्रम संख्या 7 पर रेल का इंजन छाप मुझे चुनाव चिन्ह मिला है। इस बार मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरे को एक एक वोट दे करके पुनः जिताने का प्रयास करें। अगर हम जीतते हैं तो सारी जनता को मिल करके और साथ चलने का प्रयास करें।